और दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने स्वामी दयानंद अस्पताल का दौरा किया और डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर चिंता जताई। अस्पताल प्रशासन से व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का आदेश भी दिया गया है। डेंगू दिल्ली के अंदर चिंताजनक स्थिति में आ गया है और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी डॉक्टर्स का, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का, जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा बेहतरी के साथ निभा रहे हैं। मैंने आके यहाँ पर आज विजिट की, यहाँ देखा मैंने लगभग 95 के आसपास डेंगू के केसेज यहाँ पर हैं और अभी तक हम 100 बेड की कैपेसिटी के साथ यहाँ पर उनको देख रहे थे और अभी 40 बेड की कैपेसिटी हमने सर्जिकल वार्ड को कन्वर्ट करके बनाई है। दिल्ली डेंगू के 95-100 पेशेंट्स हैं कुल मिला के और दिल्ली यूपी के मरीज भी काफ़ी आ रहे हैं। 50-55% पेशेंट यूपी से आ रहे हैं और जो दिल्ली में है वो सुंदर नगरी और नंद नगरी सीमापुरी यहाँ से मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का जो स्वामी दयानंद अस्पताल है ये 1965 से यहाँ पे चल रहा है तो ये उस टाइम का अस्पताल है जिस टाइम दिल्ली और ये जो यूपी का इलाका है जिसे अभी NCR बोलते हैं ये सब यूपी में ही आया करता था। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी संख्या में पड़ोसी राज्य से या जो पड़ोसी ज़िले जैसे गाज़ियाबाद हो गया या इधर लोनी का क्षेत्र हो गया, इन जगहों से भी आते हैं। अभी की स्थिति यह है कि अभी तक अपने अस्पताल में 200 से अधिक डेंगू सस्पेक्टेड केस जिनको बुखार था उस तरीके के मरीज अपने यहाँ भर्ती हुए, 100 से अधिक उनमें से डेंगू के पाए गए और ज़्यादातर लोगों का हमने इलाज करके छुट्टी की है। मेरे को डेंगू हुआ था और मेरे को उल्टी लग रही थी और फीवर था और फिलहाल अब तो मैं ठीक हूँ। पेट में दर्द, उल्टी। अच्छा तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? हैं जी प्लेटें गिरी हैं, डेंगू बता। अच्छा तो कैसा इलाज यहाँ मिल रहा है इस समय? इलाज तो बहुत अच्छा मिल रहा है, इलाज तो अच्छा मिल रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।